हेलो गाइस, वेलकम टू अपर्णाज रेसिपी ट्री। फ्रेंड्स, आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तिल गुड़ के लड्डू और पपड़ी तो सबके घर में बनते ही हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक डिश लेके आई हूँ, वो भी तिल और गुड़ से बनी हुई। तो आज हम बनाने जा रहे हैं तिल गुड़ चॉकलेट पेड़ा। तो फ्रेंड्स बनाते हैं गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं मकर संक्रांति स्पेशल तिल गुड़ चॉकलेट पेड़ा। तो सबसे पहले हम तिल गुड़ चॉकलेट पेड़ा के लिए रखते हैं गैस पर एक कढ़ाई, और हमने लिए है एक बाउल तिल। ये हमारे देशी तिल है, इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। इसमें अभी हमने कुछ नहीं डाला है, और हम गैस का फ्लेम रखेंगे मीडियम, और इसका कच्चापन जाते तक इसे हल्का सा 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। ये जो तिल है इसे हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। अब ये पॉप अप होने लगे हैं, अब हम गैस को कर देते हैं बंद और थोड़े देर इसे तिल को ठंडा होने देते हैं, और एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके इसे दरदरा पीस लेंगे। ये जो हमारे तिल है इसे हमने ठंडा करने के बाद मिक्सी में दरदरा सा पीस लिया है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि तिल को कभी भी गरम गरम मत पीसिएगा, अदरवाइज उसका जो तेल है वो रिलीज़ हो जाता है। तो इसे बंद चालू करते हुए दरदरा सा पीस लीजिए। अब हम रखते हैं गैस बंद। अब हम एक लेंगे कढ़ाई, अभी हम गैस का फ्लेम बंद रखेंगे, और हम इस पर डालेंगे, कढ़ाई में हम डालेंगे 2 चम्मच घी। और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/2 बाउल, हमने दूध लिया है, नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध लिया है, इसको इस घी में डाल देते हैं। और साथ ही हमने लिया है 1/2 बाउल, हमने लिया है मिल्क पाउडर, जिससे हमारे जो तिल गुड़ का पेड़ा है उसका बहुत क्रीमी क्रीमी सा टेक्सचर आएगा, और टेस्ट भी उसका दुगुना हो जाएगा। इसे डाल देते हैं और इसे ऐसे ही मिक्स कर देते हैं। अभी हम गैस का फ्लेम बंद रखेंगे, क्योंकि इसे अगर हम गैस का अगर हम ऑन कर देते हैं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो अभी हमें इसे ऐसे ही मिक्स करना है। हमने दूध, घी और मिल्क पाउडर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। देखिए, इसका एकदम क्रीमी सा टेक्सचर बनके तैयार है। अब हम गैस का फ्लेम कर देते हैं ऑन, और गैस के फ्लेम को हम रखेंगे बिल्कुल लो पर। और ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे थोड़ा सा गाढ़ा होते तक 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही पका लेंगे, ताकि हमें बहुत अच्छा सा जैसे मिल्क मेड होता है वैसा टेक्सचर मिल जाए। और लगातार चम्मच चलाते रहेंगे जब तक कि हमारा ये मिश्रण है थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। देखिए, हमने दूध और मिल्क पाउडर को 2 से 3 मिनट तक पका लिया, इसका जो टेक्सचर है काफ़ी अच्छा आ गया है, बिल्कुल मिल्क मेड जैसे ही अभी बन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे, अभी हम फ्लेम को एकदम लो ही रहने देंगे। अब हम इसमें डालेंगे जो हमारे पीसे हुए तिल थे, उसको इसमें धीरे धीरे डाल देंगे, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे। थोड़े से लम्स पड़ेंगे, लेकिन वो उसको आप स्पेशल से इसको ऐसे करके लम्स को हटा सकते हैं। बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसे 2 मिनट तक ऐसे ही पका लेंगे। हमने इसमें 1/2 बाउल गुड़ डाल दिया है, अभी गुड़ मेल्ट होगा और हम इसे 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही पका लेते हैं। चाहे तो आप इसमें मावा भी डाल सकते हैं, और अगर इसे आपको ज़्यादा रिच बनाना है तो आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। ये जो हमारा मिश्रण है थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, अब हम इसमें डाल देते हैं 1 टेबल स्पून कोको पाउडर,
जिससे कि जो हमारा तिल गुड़ पेड़ा है एकदम चॉकलेटी चॉकलेटी हो जाए। चॉकलेट पाउडर को इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं और 2 से 3 मिनट तक इसे और पका लेते हैं। हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये कढ़ाई छोड़ने ना लगे। हमारा जो मिश्रण है काफी गाढ़ा हो गया है और देखिए अभी कढ़ाई छोड़ने लगा है और ये जमा होने लगा है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे क्योंकि इससे अगर हम ज़्यादा देर तक पकाएंगे तो ये ड्राई हो जाएगा और इसे अब हम इसे 5 से 6 मिनट तक ठंडा होने देते हैं। तो मेरे पास ये सिलिकॉन का मोल्ड है तो इसको हम थोड़ा सा और डेकोरेटिव करते हैं और मेरे पास ये थोड़े से सिल्वर बॉल्स है, इसको इसमें एक दो इसे स्प्रेड कर देते हैं। और जो हमारा मिश्रण है इसको सिलिकॉन का जो मेरा मोल्ड है इसमें हम डाल करके अच्छे से प्रेस करके इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेते हैं। ये हमने सिलिकॉन मोल्ड में इसे पूरा फिल कर लिया है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट तक इसे सेट होने के लिए रख देते हैं। और अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप अपने हाथ से भी ऐसे शेप दे करके पेड़े का शेप दे करके हल्का सा फ्लैट कर देंगे ऐसा आप पेड़ा बना सकते हैं। थोड़ा सा इसे ऊपर गार्निश कर देते हैं काजू से। इस तरह से आप छोटे छोटे पेड़े बना के तैयार कर सकते हैं। ये हमने अपने सारे पेड़े बना के तैयार कर लिए हैं और अभी ठंडे भी हो चुके हैं तो अब हम करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो फ्रेंड्स तैयार है हमारे एकदम यूनिक स्टाइल में बने हुए तिल गुड़ चॉकलेट पेड़ा। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके ये तिल गुड़ पेड़ा कैसे बने। अगली नई रेसिपी के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। खाते रहिए, खिलाते रहिए और आप सभी को संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएँ।